तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस 2024 अटेम्प्ट के लिए, और आपको सेलेक्टिव स्टडी करके किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है अपने लास्ट मंथ के रिवीजन में या लास्ट मंथ के प्रिपरेशन में। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आउटपुट अपना निकाल सकते हो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सेलेक्टिवली होकर पढ़ाई करो। तो यार फिजिक्स और मैथ्स का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं। जो जो वीडियो नहीं देखा यार जल्दी से जा करके वीडियो देखो, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो स्वागत है यार आप लोग का लीडरशिप जेई नीट चैनल पर। मेरा नाम है दिवांश मिश्रा और ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो यार देखो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है यार इक्विलिब्रियम। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देखना ध्यान से, हम यहां आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बताए, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लिख के ला के रखे हुए हैं, और ये अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है, है ना। जो टॉपिक्स आपके कैंसिल आउट हुए हैं उनको हम कैंसिल आउट कर दिए हैं। अगर मे भी गलती से अगर कुछ टॉपिक्स आ गए हों तो उसको आप लोग देख लेना और उसको आप लोग मत पढ़ना, बट मेरे हिसाब से हम उन टॉपिक्स को हटा दिए जो कि ऑलरेडी डिलीटेड थे। तो यार इक्विलिब्रियम में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीओसी में आपके सामने लिखा हुआ है ये सारे टॉपिक। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत जरूर करके जाना, अगर आप नोटिस करोगे तो पीवाईक्यूज में एसिडिक स्ट्रेंथ पे भर भर के सवाल होगा। और देखना यार हम यहाँ रेड कलर के पॉइंट से भी देखो, जैसे पीएच को हम रेड से मार्क किए हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके जाना ही जाना है। उसी तरीके से यार डी एंड एफ ब्लॉक में ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ जो है कंपाउंड्स वगैरह के पूछ लेता है, उनके कंपैरिजन पूछ लेता है, ऑप्शंस में उनके कंपैरिजन ऑलरेडी बना के उसमें देता है और आपसे बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तुम्हें अगर हम ध्यान से बताएं ना तो इनऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का और उसके बाद फिजिकल का। तो इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन को तो अच्छे से करके जाना भैया, और खास करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम रेड मार्क करके भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वीबीटी हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है। हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूर से देख लेना। और यार पता है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, रीड करके जाना ही जाना है। एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुबह उठते ही आधे घंटे, और रात में सोने से पहले भैया एक घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अपने रूटीन में आज से ही ऐड कर लो। अगर नहीं ऐड करोगे तो भैया मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि सारा याद करने वाला खेल है, अगर भूल जाओगे तो मैटर क्लोज हो जाएगा। तो सुबह उठते ही आधे घंटे और रात में सोने से पहले एक घंटे, ठीक है भैया। उसके बाद हमारा पी ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में यार फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैंसिल किया हुआ है, ठीक है। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसको हटाया गया है, तो उसको मत पढ़ना, है ना। लेकिन ये सारे ग्रुप 17, ग्रुप 16, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, ये टॉपिक तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी सब टॉपिक हम लिख के रखे हुए हैं। पी ब्लॉक में हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर के इसलिए लिखे क्योंकि यार पी ब्लॉक में ना काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन जो यहां पे मेंशन टॉपिक है उसको तो करके जाना ही जाना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसी में आपको सवाल देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद हमारा एल्डिहाइड कीटोन ईथर कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉस्ट इक्वेशन करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ वो भी लिख के रखे हैं भैया, लेकिन रेड वाले को हम मार्क करके बोल रहे हैं ताकि एक बार आपको हम स्लाइड दिखा दें और आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहो, है ना। उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स में ये सब टॉपिक्स हैं। थर्मो में लिखा हुआ है ना, अच्छे से करके जाना। बायो मॉलिक्यूल्स देखना यार, एक बात हम बताते हैं, पॉलीमर वगैरह हट गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कट गया है, तो भैया बायो मॉलिक्यूल से हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बायो मॉलिक्यूल से ना इस बार अच्छे खासे सवाल देखने को मिलेंगे। तो बायो मॉलिक्यूल जरूर से करके जाना, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज और हार्मोन्स, और भैया एनसीईआरटी की रीडिंग तो बहुत अच्छे से करके जाना बायो मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि पता है बायो मॉलिक्यूल में बिल्कुल एनसीईआरटी से ही सवाल पूछेगा, तो आप पूरा स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट कम से कम 2 से 3 बार बायो मॉलिक्यूल्स की रीडिंग लगा लो, है ना भैया। तो यार बहुत मेहनत करके हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ हेल्प करी होगी। फिजिक्स का भी आपके पास हो गया, केमिस्ट्री के लिए पास भी आपका हो गया, मैथ्स के लिए भी आपके पास हो गया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ में आ रही है। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रख करके ही प्रिपरेशन करना कहीं ना कहीं, क्योंकि भैया सेलेक्टिव होके पढ़ाई करना, ये नहीं कि बैलों की तरह सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, नहीं,
सेलेक्टिव होकर पढ़ाई करना, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको बहुत ज़्यादा फोकस करके, और उन पे बेस्ड, उन टॉपिक पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस के पेपर में, अगर सिर्फ उतना भी ध्यान दे करके अगर तुम पढ़ाई करते हो ना, तो तुम्हारा एनआईटी में सीट कोई नहीं रोक सकता। अरे यार 130 140 नंबर कहीं नहीं गए हैं अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके और बिल्कुल समझदारी के साथ अगर तैयारी कर रहे हो तो। बात समझ में आ रही है? तो यार ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और नीचे कमेंट डाउन करो कि आपके पास कौन से प्रॉब्लम है जो आपको अभी फेस करने पड़ रहे हैं। और कुछ ही दिन में हम डे वाइज शेड्यूल लेके आएंगे विथ टाइम टेबल, डे वाइज बोल रहे हैं, डे वाइज शेड्यूल लाएंगे विथ टाइम टेबल कि आपको कौन से दिन पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और ये हर साल हम ये स्ट्रेटेजी अपने चैनल पे लेके आते हैं, जब भी एक महीने प्रिपरेशन के बचे होते हैं भैया 10 तारीख तक आपके पास भी वो वीडियो आ जाएगी। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, है ना। और मेरे मोटिवेशन के लिए नीचे कमेंट डाउन कर दो, और कुछ भी अपनी राय या सुझाव है वो भी नीचे आप कमेंट कर सकते हो, प्रॉब्लम जो भी है वो अपने नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, और पढ़ते रहो, मचाते रहो, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना अपना, बाय।